मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के तो आपने कई मामले देखे और सुने होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, दरअसल आरोपी एम्बुलेंस से मादक पदार्थों की तस्करी को अंजाम दे रहे थे। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी थाना पुलिस ने एक एम्बुलेंस से मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए ड्राइवर को पकड़ा है और पुलिस ने एम्बुलेंस से करीब 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद कर वाहन को जब्त किया है। वहीं आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मक्सी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस से करीब 1 क्विंटल 35 किलो गांजा ले जाया जा रहा है, जिस पर एक टीम बनाकर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई और आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मक्सी बाईपास के पास एम्बुलेंस की घेराबंदी की गई, जहां पुलिस को देखकर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने धर दबोचा और पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें गांजा पाया गया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपनी पहचान प्रधान पिता अर्जुन सिंह सिसोदिया निवासी गुरंडी बंगला सुसनेर के रूप में बताई है। थाना मक्सी पर उप निरीक्षक तेज प्रकाश बोहरे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई एम्बुलेंस वाहन के अंदर उड़ीसा तरफ से गांजे का परिवहन करते हुए आगरा तरफ जाने वाला है। अगर जल्दी नाकाबंदी की जाएगी तो पकड़े जाने की पूरी संभावना है। इस पर से मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में मामला लाकर तत्काल एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें तेज प्रकाश बोहरे, अंकित मुकाती, ASI रघुवंशी और हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की टीम का गठन किया था, जिनके द्वारा बाईपास और नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक एम्बुलेंस जो बताए गए नंबर के अनुसार MP09WF3722 नंबर की आते हुए दिखी थी, जिसे फोर्स के द्वारा रोकने पर उसका चालक निकल के भागने लगा, जिसे पकड़ा था और उसको मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए NTPS के वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए उसका नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम प्रधान पिता अर्जुन सोलिया निवासी गुआड़ी बंगला का बताया था, जो थाना सुसनेर के अंदर आता है, उसकी उपस्थिति में उक्त एम्बुलेंस वैन की तलाशी ली गई, जिसके अंदर 7 बोरे पैक हालत में पाए गए, जिनको खोलकर पंचों के सामने विधिवत देखने पर पाया कि उसके अंदर गांजा है, जिनका मौके पर ही तौल करने पर 1 क्विंटल 35 किलो वजन पाया गया और उनको वहीं मौके पर पंचों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया तथा उनको माल जब्तशुदा माल व आरोपी को और एम्बुलेंस वाहन को लेकर थाने पर आए हैं और यहाँ पर विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया। कुल मशरूबे की कीमत 20 लाख से ऊपर है, 20,28,000 रुपये करीब कीमत है तथा एम्बुलेंस वाहन की कीमत करीब 5 लाख है। ऐसा करके 25 लाख से ऊपर का मशरूबा पुलिस मकसद द्वारा बरामद किया गया है और ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। इसमें हम लोग जो आरोपी जहाँ से माल लेकर आया था उसके बारे में और जहाँ ये माल देने जा रहा था उसके बारे में बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं और इसको अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए और एम्बुलेंस की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा उड़ीसा से आगरा ले जाया जा रहा था। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके शहर सागर में सागर रेसिडेंसी लाए हैं TNCP एवं रेरा से मान्यता प्राप्त सर्व सुविधा सहित आवासीय कॉलोनी, सभी साइज के प्लॉट उपलब्ध, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता है सागर रेसिडेंसी, बहेरिया तिराहा, सागर।